हेलो गाइज, माइसेल्फ आरके विक्रम वर्मा और आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी। और जैसा हमने पिछले एनालिसिस का जो वीडियो बनाया था वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। हमारी प्लानिंग थी कि 66,480 के ऊपर निकले तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे, और देखिए क्या बढ़िया मूव दिखाया। इसके बाद से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके ऊपर निकला। और ओवरऑल आज जो सेंसेक्स में जो हम लोग कैप्चर किए हैं, देखिए पहले तो एक 70 वाला प्रीमियम को उठाएं और 160 मतलब कैपिटल डबल हो गया यहाँ। फिर हमने एक उसके पहले ही उठाया था 100 रुपया में कॉल साइड का प्रीमियम, 66,600 का कॉल, 100 रुपया वाला प्रीमियम 140 चला गया। फिर पुट का भी दोनों साइड हम लोग बहुत ही जबरदस्त मूव कैप्चर किए। साथ ही साथ हमने बैंक निफ्टी में भी आज के लाइव स्ट्रीम में 270 में एक उठाया प्रीमियम, 350 गया। दूसरा एक प्रीमियम था जो 225 में उठाया कॉल साइड में, 366 गया। तो बहुत ही परफेक्टली ये सारी चीजें वर्क किया है। और हमने सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता रखा था हमने अपने लर्निंग ग्रुप में, मॉर्निंग में ही अपडेट कर देता हूँ। अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप में नहीं है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन करिए। और जैसा बताता हूँ जस्ट वैसे ही मार्केट बिहेव भी करता है ओवरऑल। तो अब नेक्स्ट डे जो है मिड कैप का एक्सपायरी है। आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में बहुत ही जबरदस्त हम लोग पैसा बनाए, नो डाउट लोगों ने बहुत अच्छा झोला भर भर के पैसा बनाया है ना। तो ये एक्सपायरी पहले तो लोग हल्के में लेते थे, लेकिन अब बहुत ही जबरदस्त मूव मिलता है सेंसेक्स और मिड कैप के एक्सपायरी में। जिस तरीके से हम लोग पहले फिर निफ्टी में नहीं मिलता था, अब मिलना शुरू हो गया, वैसे ही सेंसेक्स में एक्सपायरी तो मिस बिल्कुल करते ही नहीं है। ओवरऑल अब पांचों दिन एक्सपायरी है ना। तो देख लेते हैं, अभी तो 2 दिन वीकेंड है, मंडे को हम लोग किस तरीके से एक्सपायरी इंजॉय करने वाले हैं मिड कैप का। तो चलिए मिड कैप के अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, चलिए पहले डे वाले चार्ट में लगा ले रहा हूँ। डे वाले चार्ट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर निकल रहा है, कहीं कुछ भी ऐसा सीन नहीं दिख रहा है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए है ना। और अब हम लोग अगर इंट्राडे बेसिस में करें तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि बाय ऑन डीप का अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए। अगर कहीं बाई चांस आता है, कोई ऐसा प्रोजेक्शन फॉर्म करता है और मार्केट अगर कहीं नीचे आए, तो नीचे आने के दौरान आप वहीं से एक डीप पे अपना एक कॉल का पोजीशन बनाइए। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू एक बुलिश है, ऊपर निकल रहा है, राइट। तो हर एक डीप पे एक कॉल का अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, ना कि पुट का। मार्केट अगर पुट के साइड में या डाउन साइड जाए तो जाने दीजिए, देखिए कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर उस तरीके से अपना प्लानिंग करिए। तो अभी अगर इंट्राडे के बेसिस पे अगर बात करी जाए तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाए है ना, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है या तो इसी रेंज में कल ओपन होता है, तो ये वाला जो एक छोटा सा रेंज है जो लास्ट आवर में 15 मिनट में कंसोलिडेट किया है, तो इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग पहला टारगेट जो देखेंगे 9,170.75 का, नेक्स्ट टारगेट हमारा बड़ा टारगेट मिलेगा 9,225 का। तो ये हमारा फाइनल टारगेट भी होगा, ज़्यादा ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा 9,275 तक जा सकता है। इसके ऊपर हम एक्सपायरी में कोई और बढ़िया बड़ा कुछ दिख नहीं रहा है ना। हाँ, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो अलग सीन है, उसका भी डिस्कस करेंगे। फ्लैट ओपन होकर के अगर कहीं मार्केट नीचे निकलना शुरू करे डाउन साइड की ओर, तो यही कंसोलिडेशन का इंट्राडे बेसिस पे इसी कंसोलिडेशन से अगर मार्केट नीचे निकले तो पहला टारगेट हमारा 9,100 होगा, राइट। और नेक्स्ट टारगेट हमारा 9,080 तक का होगा, राइट। तो ये हमारा दूसरा टारगेट है, ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट है जहां मार्केट को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे मार्केट कई बार रेजिस्टेंस सपोर्ट किया है। तो यहां मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे तो एक अच्छा फिर सिनेरियो दिखेगा डाउनसाइड का, नो डाउट है ना। लेकिन ये हमको जहां तक लग रहा है कि एक सपोर्ट ही वर्क करना चाहिए और मार्केट यहीं से बूम होना चाहिए अगर मार्केट नीचे आता भी है तो, है ना। अब अगर कहीं मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप 9,170 या 75 के आसपास हो जाए, इधर कहीं ओपनिंग हो जाए, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक बार मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए। बाय चांस यहाँ तक आ जाए या तो फिर यहाँ तक आ जाए जहाँ अभी मार्केट का आज का हाई है, और इसी हाई को SL कंसीडर करके सपोर्ट पे मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये एंड एक ये वाला टारगेट तक हम लोग 9,225 तक का देखेंगे। अब कहीं मार्केट कहीं गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? गैप डाउन कहने का मतलब कि अगर 9,100 के आसपास हो जाए, इस जगह पे हो जाए,
या तो फिर जहाँ ओपनिंग हुई है उसी के आसपास हो जाए, कोई बड़ा ही कोई अपडेट आ गया रातों रात कुछ भी, है ना। तो अगर यहाँ तक ओपनिंग हो जाए तो देखना है कि क्या इसको होल्ड कर रहा है, क्या यहाँ टाइम पास कर रहा है। अगर नहीं टाइम पास कर रहा है या होल्ड नहीं कर रहा है तो हमें नीचे का टारगेट 9000 तक का देखने को मिल सकता है। 9000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके नीचे कोई मतलब सेलिंग उतना भी नहीं है। अभी भी मार्केट में बुलिश है, बाकी मार्केट कुछ भी कर रहा हो लेकिन मिड कैप अपना मूड में चल रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, अगर गैप डाउन भी निकले हो जाए तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट आज का डे हाई, डे हाई के ऊपर फिर हम लोग 9225 तक का टारगेट, है ना। तो ये ओवरऑल हमारा कॉल दोनों साइड का सिनेरियो मैंने मिड कैप का बता दिया, बहुत ही सिंपल है। हाँ, एक देखिए प्राइस एक्शन ये है, एक ट्रेंड लाइन है, राइट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करें ना तो ये वाला जो स्विंग है यहाँ यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, यहीं से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ब्रेक भी कर दे इस सपोर्ट को तो फिर हमारा आज का जो डे लो है वहाँ तक का प्लान हो सकता है। तो ये हमारा एक सिंपल एंड क्लियर सा व्यू है जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट होता है, मिलता है हमारे सारे लेवल का। पिछले वीडियो जितना भी ये सारे चेक करिए, चाहे मिड कैप का हो, सेंसेक्स का हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन सारे। हाँ, मैं एवरीडे 1:30 PM में लाइव आ जाता हूँ, आज भी लाइव आया जिसमें कैपिटल 2x और 3x के आसपास हुआ। आप हमारे लाइव स्ट्रीम को कनेक्ट करिए 1:30 PM में, और हाँ, कनेक्ट होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले इसलिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी डॉट्स एंड क्वायरी होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़िएगा। और अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एलआईएस मुनू एंड अपर स्टॉक का लिंक है, उससे जाकर के हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाकर के वहाँ चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं मंडे को एक फ्रेश नए लाइव स्ट्रीम में, उसके बीच में कुछ लर्निंग वीडियो भी अपडेट होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।